captain of Boeing 747 Atlanta to Islamabad. Guys, ये है वो मशीन, वो जगह, वो कॉकपिट जहां से पायलट बैठकर कंट्रोल टावर को बताता है कि I'm ready to fly, और फिर उसको सिग्नल मिलता है और फिर वो यहां से कूच कर जाता है। ये वो सारी मशीनरी है, चूंकि ये एक पुराना मॉडल है, इस पे तो अभी लेटेस्ट मॉडल जो आए हैं वो तो बिल्कुल कुछ और चीज है। You can see, ये सारा वो एक बोर्ड है जिसके जो पायलट और उसके को पायलट के सामने होता है, और ये फ्लाइट मैनुअल है जिसके मुताबिक क्योंकि हमारे दोस्त हैं गजफर साहब, हमें बता भी रहे थे कि ये सब पायलट के पास होता है जिसके बारे में जहाज की मेंटेनेंस, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इशू है, वो इसके ऊपर क्लियरेंस मिलती है तो देन वो आगे मूव ऑन करता है। लेकिन जम्मू स्टे ने क्या किया, जम्मू स्टे ने इसको बना दिया एक कॉकपिट हनीमून के लिए। कपल जो है वो यहाँ पे आ सकता है, ये देखें, और यस, और ये रहा मैं, लेकिन मैं अकेला हूं तो ऐसे ही चलेगा। और ये देख सकते हैं आप, लाइक दिस कॉकपिट को इन्होंने सबसे महंगा रखा है डिजाइन करने के लिए, सॉरी इसको रेंट आउट करने के लिए, और बाकी जो रूम्स हैं वो इसका दे थोड़े से कह लें कि चीप है, लेकिन कॉकपिट सबसे महंगा है। चूंकि आज किसी ने चेक इन नहीं किया तो हम यहाँ पे शूटिंग के लिए पहुंचाए। मैं चाहता हूँ कि कैमरा मैन इस तरफ आए और हम ये जरा बैकग्राउंड भी दिखा सकें पूरे बेडरूम के साथ। सो गाइज, आई होप कि आप लोग अपने अपने घरों में बैठ के कॉकपिट और जहाज का मजा ले रहे होंगे। सो कॉकपिट का मजा तो आपने अपने घर में बैठ के लूट लिया, अब जहाज के कॉकपिट और पायलट के फौरन बाद क्या होता है आइए आपको बताते हैं। फौरन बाद जो आती है वो आती है फर्स्ट क्लास, और ये प्लेन चूंकि 1974 का मॉडल है, थोड़ा सा पुराना है, काइंड ऑफ पुराना है यू कैन से, लेकिन खूबसूरत है। ये है वो फर्स्ट क्लास जहाँ पे बैठकर लोग ये समझते हैं कि वो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, और ठीक है, इफ़ यू हैव समथिंग आपको इन्जॉय भी करना चाहिए। लेकिन इस फर्स्ट क्लास को जम्बू स्टे ने कॉन्फ्रेंस रूम में तब्दील कर दिया है। स्वीडन के अंदर जो लोग चाहते हैं कि कोई मीटिंग हेल्ड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आते हैं, अपनी मीटिंग भी हेल्ड कर सकते हैं। सामने LED लगी हुई है और यहाँ पे बैठकर लाइक दिस, या ऐसी जगहों पे बैठ के लोग बातें करते हैं कि पटेल क्या बना उस कंसाइनमेंट का जो हमने पिछले हफ्ते मंगवाई है अफ्रीका से, तो वो आगे से लंबा झूठ बोल देता, जी हमारे 25 बैरी बेड़े पहुंचने वाले हैं, फिक्र ना करें। इस तरह की जो है ना वो समटाइम चल रही होती है बड़ी मूवीज में। इफ इट्स नॉट बॉइंग आई एम नॉट गोइंग, ये है वो फेमस स्लोगन जो के 70s के अंदर बोइंग के बारे में बड़ा मशहूर था। तो आइए बात करते हैं इस हिस्ट्री के बारे में। बोइंग कंपनी ने, जो कि अमेरिकन कंपनी है, उन्होंने ये जहाज दिया सबसे पहले सिंगापुर एयरलाइन को, और ये सिंगापुर एयरलाइन ने 1976 से 1984 तक इसको फिजा में बुलंद रखा। यहाँ पे एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है बताने वाली कि सिंगापुर एयरलाइन स्काई ट्रैक्स के मुताबिक 2019 के अंदर सेकेंड बेस्ट एयरलाइन का उसे अवार्ड मिल चुका है। ओके, फिर आगे चलते हैं। ये जहाज मिला पैनम को, और पैनम ने इस जहाज को 1984 से 1994 तक अपने पास रखा, यानी कि 10 साल तक वो इसे उड़ाते रहे, और देन ये 1994 से 1995 तक, यानी कि सिर्फ एक साल के अरसे के लिए एक क्लब के पास ये जहाज रहा। देन 1996 से ये जहाज 2000 तक टावर एयर के पास रहा। देन इसकी किस्मत में काफी सफर लिखा हुआ था इस जहाज के अंदर, वैसे तो ये लोगों को भी सफर कराता है और खुद भी सफर में ही रहा। देन 2000 से 2000, यानी कि एक साल के लिए ये जो जहाज है आया एयर एशिया के पास, और इसी तरह से आखिरी जो इसकी डेस्टिनेशन थी, अब उसकी बात कर लेते हैं, ट्रांसजेट 2002 से, यानी कि ऑनवर्ड्स, ओके 2002, यानी कि एक साल के लिए ये जहाज इस कंपनी के पास रहा। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि 2002 में इसने आखिरी उड़ान तो भरी, लेकिन आज है 2020, इस सारे अरसे में ये जहाज कहाँ पे गायब रहा? क्या ये उसी इंडोनेशिया जैसे मेरे जहाज की तरह गायब हो गया था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आखिरी प्रवास के बाद जब ये इस कंपनी के पास पहुंचा तो बैंक क्रप होने के बाद कंपनी ये जहाज जो है वो लावारस हो गया,
तकरीबन 4 साल तक ये अर्लांडा एयरपोर्ट पे ये बेयारो मददगार खड़ा रहा, और फिर इसके बाद यंबुस्टे ने इसको अपने जो है कह लें कि मलकियत में लिया, और इसको यहाँ पे पार्क करने के बाद प्लान किया कि अब इसको एक होटल बनाया जाए, और 2 सालों में इसको रेनोवेट किया गया, और तब से ये आज तक मुख्तलिफ लोगों के लिए होटल का काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट का काम कर रहे हैं, और लोगों को इंटरटेन कर रहे हैं। बात दरअसल अब ये है कि अभी हम इस जहाज के कैफेटेरिया जिसको भी कहा जाता है, हम वहां पे मौजूद हैं इस रेस्टोरेंट के, और ये एग्जैक्ट जो है कॉकपिट के बिल्कुल नीचे है, जो एक नोज होती है प्लेन की, हम उसके नीचे बैठे हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा तारुफ जो है इंट्रोडक्शन, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। इनसे मिलिए, ये है अमीर जुनेजा साहब। इनका सबसे अच्छा तारुफ ये है कि ये बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे इंसान है। इनसे मुलाकात हुई तो जब ये मुझे मिले तो मुझे ऐसी फीलिंग आई जैसे एक बड़ा भाई छोटे भाई को वेलकम करता है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। ये है गजफर भाई जो कि अर्लांडा एयरपोर्ट पे टर्न अराउंड मैनेजर है, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और ये है मेरे दोस्त बहुत अच्छे अली, ये रिसेंटली पाकिस्तान से यहाँ पे आए हैं और हम इनको यहाँ पे लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच आप सबके लिए। सबसे पहला सवाल, 2002 तक तो मैंने बता दिया लोगों को कि क्या हुआ, 2002 के बाद क्या हुआ इस जहाज के साथ? 2002 से लेके 2007 तक ऑलमोस्ट ये प्लेन वॉज ओन बाय अ कंपनी कॉल्ड ट्रांसजेट। ओके, उनके जो 3 प्लेन थे वो 2 लेके चले गए, 1 रह गया, तो वो बैंक्रप्ट हो गए। तो दे वर नॉट श्योर इस प्लेन का करना क्या उनको। उसके बाद हमने इनको ऑफर दी कि जहाज हमें खरीदना है, और 2007 की तकरीबन मिड में हमें इजाजत मिल गई इसी खरीदने की। ओके, और 2008 से हमने इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, 2007 के आखिर में 8 तक, और 2009 से हमारा होटल शुरू हुआ। हमें तकरीबन 1 साल 1.5 साल लगी कंस्ट्रक्शन में टू मेक इट, ब्रिंग इट हियर एंड स्टार्ट द होटल। फीडबैक का बताएं कि लोगों के लिए, चूंकि आपने बताया कि ये अपनी नौयत की एक मुनफरदी मिसाल है, इस तरह पूरी दुनिया में नहीं है, दुनिया में एक ही है ये 747 बोइंग का 200 मॉडल है, जो एग्जैक्टली इट्स द सेम मॉडल लाइक एयरफोर्स 1। ओके, तो और दूसरा ये है कि ऐसा कोई और दुनिया में जहाज है नहीं इसको होटल बनाया है, और ये पहला जहाज है जिसको ऐसा होटल और रेस्टोरेंट बनाया है। इन्फॉर्मेशन के लिए एयरफोर्स वन यूएस प्रेसिडेंट का जहाज है, जो यही मॉडल है जो एयरफोर्स वन का है, वो भी बोइंग 747-200 है। ओके जी, सो हम अपने आप को थोड़ा थोड़ा ट्रंप फील कर सकते हैं। ओके, फीडबैक का मैं कुछ बताएं कि फीडबैक इसका कैसा रहा, कि जब आपने लोगों को एक यूनिक आइडिया दिया कि लोगों को बड़ा तजस्स होता है कि प्लेन अंदर से कैसा होता है, फिर उसी प्लेन के अंदर आपने रूम्स भी खड़े कर दिए, फीडबैक क्या था? फीडबैक इसका ये है कि 11 साल से ये चल रहा है, दैट मींस इसका फीडबैक हैज बीन रियली पॉजिटिव। दूसरा ये, मैं हमेशा अपने कस्टमर्स को बोलता हूँ, the plane used to fly people around the world, now people from around the world are coming to the plane, yeah so it's been 11 years aur jumbo aur ye 747 ya queen of the skies is a very special and unique plane, so we have been there for 11 years allah ka shukr se, and it's been going good, so we have people from around the world, from almost every country, not only Europe, China, Japan, you know, other countries as well, Pakistan, India, everywhere। So, मैंने यहाँ पर तकरीबन ऑलमोस्ट सारे मुल्कों के लोग आए हैं। हम चाहेंगे आपसे ये जानने के लिए कि इसमें कितने रूम्स हैं और किस किस वैरायटी के, किस किस कैटेगरी के रूम्स हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि हाउ मेनी रूम्स दिस प्लेन राइट नाउ हैज। हमारे पास यहाँ पर तकरीबन 33 रूम्स हैं। ओके, और हर रूम तकरीबन डिफरेंट टाइप्स के, सो हमारे पास स्वीट रूम्स हैं, डॉर्मेटरीज हैं, सिंगल डबल और ट्रिपल रूम्स हैं, मोटर रूम्स हैं, और व्हील हाउस रूम है। मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ, यहाँ पर सिंगल रूम, सिंगल बेड है। ओके, एंड इट हैज ओनली अ टॉयलेट। ओके, हाउ मच डज दिस कॉस्ट? इसका रेंट होगा 1000 kroner पर नाइट। 1000 kroner? यस। ओके, ये एक तरह का रूम है, हम लोग के पास हर तरह के रूम है यहाँ पर। ओके, सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है इस जहाज की, ये ओरिजिनल है, ये जो वो केबिन है जो जहाज उड़ रहा था। टॉयलेट एंड शावर्स आर शेयर्ड।
शेयर कॉरिडोर में, ठीक है, ओके। सो आप अगर प्लान कर रहे हैं किसी लाइक अपने ग्रुप के साथ विजिट करने के लिए आप अर्लांडा को यानी कि स्टॉकहोम को, तो आपके लिए एक जबरदस्त किस्म की जो अकोमोडेशन है वो यहाँ पे मौजूद है। यूनिक कॉन्सेप्ट है, बेसिकली ओनली वन इन द वर्ल्ड, ओनली वन इन द वर्ल्ड, ऐसा दुनिया में 747 कहीं नहीं। अगर कोई स्टूडेंट्स हैं जो यंग है जो कैन नॉट अफोर्ड, तो उनके लिए हमारे पास हॉस्टल रूम्स है जो वो सिर्फ एक बेड ले सकते हैं as a student to stay, sleep for a night, okay, so they can buy this bed, okay, for 450 kroner ka, stay kare aur subah chale jaye. To females ka hamare paas alag hai aur males ki dormitory alag hai. Ha ha, ye char hain ye, okay, dikha sakte hain inko. 1 2 1 2 3 4 aur television ke sath aur iska, okay, isme wo nahi hai luggage wagaira ya phir aapke rakhne ke liye hamare paas alag luggage room hai, okay. ये हमारा पीछे बिल्कुल ये देख सकते हैं, ये बैगेज रूम है जिनके शेयर्ड रूम्स हैं और बाकियों के साथ अगर वो सेफ फील ना करे okay. तो अपना लगेज यहाँ ड्रॉप कर सकते हैं, इसकी चाबी सिर्फ हमारे पास होती है। कुछ यूनिक बताएं इस जहाज के बारे में कि यहाँ पे लोग लाइक कोई न्यूली कपल है वो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, बर्थडे सेरेमनी के लिए, या कोई बिजनेस कम्युनिटी यहाँ पे आती है, किस तरह के लोग आपके पास आते हैं? वेडिंग, 50 साल की शादी मनाने के लोग आए हैं, मुझे ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने 747 में काम किया है और वो वापस देखने आए हैं। मुझे एक ऐसे यूरोपियन जर्मन मिला था जो लुफ्थांसा के जहाज सारे बनाते हैं, वो यहाँ आके स्टे किया था, बोलते मुझे जहाज बनाने की जरूरत नहीं, मैं सोऊंगा सिर्फ। बल्कि अमीर साहब बता रहे थे कि इस प्लेन को जिस पायलट ने लास्ट टाइम जो है इसको फ्लाई किया वो भी इनसे मिलने के लिए यहाँ पे, वो उसने पूरा जहाज अपने लिए बुक किया था और अब से उसकी फैमिली और फ्रेंड्स वो स्टेंगे। किसी भी प्लेन के क्रैश करने के बाद जो सबसे ज्यादा वर्ड सुना जाता है वो सुना जाता है ब्लैक बॉक्स। तो मैं जब छोटा था तो सोचता था कि ब्लैक बॉक्स क्या काले रंग का कोई डब्बा है, उसके अंदर आखिर होता क्या है। खैर जब पढ़ने में आया तो समझ आया कि इसके अंदर वो आखिरी एक रिकॉर्डिंग होती है जिसकी वजह से वो ट्रैक कर सकते हैं कि आखिर में इसको इशू क्या हुआ था। बोइंग 747-200 का अब हम जा रहे हैं उसके ब्लैक बॉक्स के उस जगह पे जहां पे वो नस्ब होता है, और अब वो ब्लैक बॉक्स नहीं बल्कि एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का रूम बन चुका हुआ है। अमीर साहब हमें वो दिखाएंगे। सर प्लीज। तो ये जो है ब्लैक बॉक्स सूट है जो टेल में ऑलमोस्ट जहाज के, ओके, ये जहाज के बिल्कुल आखिर में, और ये हमारे पास 3 suite rooms है, उनमें से एक है, दिस इज आवर सेकंड बेस्ट रूम, हमने इसका नाम रखा है ब्लैक बॉक्स सूट क्योंकि द ब्लैक बॉक्स इस जहाज का था इस जगह पर था। तो आप बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल ऐसी जगह खड़े जहाँ पर बिल्कुल टेल है, ये टेल है, ये बिल्कुल टेल है जहाज की, इसको हमने ब्लैक बॉक्स फील बना दी है। ओके, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, थोड़ी सी इसकी मेमोरीज भी इसमें है, वी हैव पुट ये थोड़ा आसमान टाइप का इसको बैकड्रॉप दिया है। ओके, अब ये जहाज है, आप इसमें देखें, ये जापान में खड़ा हुआ है जिस जहाज में हम लोग खड़े हुए, ये फोटो में वही जहाज है जो 2002 में जापान में खड़ा हुआ था टोक्यो में। ओके, फाइन फाइन फाइन। सो राइट नाउ इफ यू ज़ूम, वी आर एग्जैक्टली हियर, इधर हम खड़े हुए हैं बिल्कुल टेल के नीचे। ओके, इसका स्वीट का खुद का टॉयलेट एंड शावर है। ओके, तो ये इस तरह से खुलेगा। ओके, तो ये यार गॉट इट, विंडोज भी हैं। Yes. और सर दरवाजा भी है जो हमने बंद किया हुआ है। ये आपने बताया कि ये हमारे पास जो है खास किस्म का तीसरा रूम है, तो इसकी क्या कॉस्ट है अगर कोई यहाँ पे स्टे करना चाहता है? फॉर टू पीपल इसकी 1900 kroner है। ओके, फॉर अ नाइट दैट इंक्लूड्स द रूम ऑफ कोर्स और ब्रेकफास्ट भी। ये जो नजारा आप देख रहे हैं टर्किश एयरलाइन आपको नजर आ रही है, ये जहाज की टेल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, उसकी विंडो से आपको मैं टर्किश एयरलाइन दिखा रहा हूँ, और इधर हम है, हेलो, यस, ये है वो सिंगल स्वीट रूम जिसका हम जिक्र कर रहे थे उधर, लेकिन वो था ब्लैक बॉक्स जहाँ पे डबल स्वीट रूम था कपल के लिए, लेकिन ये है सिंगल जो कि कमारे लोग हैं उनके लिए, वो यहाँ पे आ सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। और मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा अगर आप पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं, दुनिया के किसी खत्ते से ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये पीछे है अर्लांडा एयरपोर्ट जहाँ से आप पैदल भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो मोमन जो विजिटर है वो बड़ा परेशान होता है कि मैं कहाँ पे स्टे करूँगा, अब आपने आज के बाद परेशान नहीं होना, सीधा आपने आना है जम्बू स्टे के ऊपर जहाँ पे 33 rooms आपका शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं।
बोइंग 747 के 33 रूम का जो मंजरनामा है वो हमने आपके सामने रखा, ब्लैक बॉक्स आपको दिखाया, कॉकपिट आपको दिखाया। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं एक और मुनफरिद किस्म की इस जहाज की चीज, जगह जहां पे हम वॉक करेंगे। आमतौर पर ये वो जगह है जिसकी वजह से ये प्लेन उड़ता है, लेकिन हम अभी इसके ऊपर वॉक करेंगे। ये है बोइंग 747-200 का वो विंग जिसको अभी इन्होंने एक वॉकिंग विंग बना दिया है, जहाँ पे आप जो है बैठ सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप कैफेटेरिया के तौर पे भी इसे यूज कर सकते हैं। आप आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो पर है जिसकी वजह से ये जहाज 35,000 से 40,000 फीट की बुलंदी पे पहुंच जाता है, और अभी मैं इस पर के एग्जैक्ट ऊपर खड़ा हूँ। लोग यहाँ पे आते हैं, इन टेबल्स के ऊपर बैठ के कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आने की सूरत में आप कमेंट करेंगे, इसको शेयर करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। सी यू।